उत्तर प्रदेश मऊ जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर आज सपाइयों ने समाजवादी पार्टी के योजना सभा के राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव का जोरदार स्वागत किया, साथ ही फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया। वही विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सपा युवा जन सभा के राष्ट्रीय महासचिव का जनपद में आगमन हुआ, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक की गई है और चुनाव में युवाओं के आगे करने की चर्चा हुई है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आज हम यहां आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक किए। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को समाजवादी पार्टी में जोड़ना है। बीजेपी सरकार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। साथ ही कहा कि आजम खां का पार्टी में अहम रोल है और अखिलेश यादव आजम खां की काफी बातें करते हैं। उनके लिए अखिलेश दिल्ली भी गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी के लिए कहा कि वह इन माइनॉरिटी के लिए, इसलिए उन पर भी कार्यवाही की जा रही है। इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाएं।